वेलकम क्लास फोर। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वन, कंप्यूटर्स, स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस। तो ये जो चैप्टर है ये मेनली कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी डिवाइसेस के बारे में है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखो। वी आर मूविंग थ्रू एन एज वेयर एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कंप्यूटर। देयर इज हार्डली एनी एरिया that is left untouched by computers. The invention of computer has really made a great impact on our day-to-day life. तो कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं होता, हर एक जगह में कंप्यूटर मौजूद है और हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है वहाँ पे कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। Let us know more about computers. Next page में जाओ। Computer, an electronic machine. Children, you have come across various machines that make our work easier. Each machine is given some raw material and it goes under some process to produce useful results. For example, a tailor stitches clothes by using a sewing machine and makes beautiful dresses for us. Matlab, hum jitne sare machines dekhe hai उनमें से मैक्सिमम किस प्रिंसिपल में काम करते हैं? इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रिंसिपल में काम करते हैं। मतलब कुछ हम रॉ मटेरियल्स देते हैं मशीन को, मशीन उसे प्रोसेस करता है फिर आउटपुट देता है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे टेलर क्लोथ्स को स्टिच करते हैं सिविंग मशीन से और फिर स्टिच करके एक ब्यूटीफुल ड्रेस बनाता है। तो जो अनस्टिच्ड क्लोथ्स है वो है इनपुट फॉर द टेलर, जो सिविंग मशीन में स्टिचेस हो रहा है वो है प्रोसेस, और जो ब्यूटीफुल ड्रेस मिलता है आफ्टर स्टिचिंग वो है आउटपुट। तो मैक्सिमम मशीन इसी प्रिंसिपल में वर्क करता है। नेक्स्ट देखो, द अबव इलस्ट्रेशन शोज दैट the unstitched clothes are provided to a sewing machine. The machine is designed in such a way that it stitches the cloth and makes dress as a final product. तो वही यहाँ पे बोले कि जो unstitched cloth है वो है raw material, मतलब input, जो stitching process है वो है process और जो dress है वो है output. Thus, we can say that unstitched clothes are the data for the sewing machine, stitching is the process and the dress made is the result. ठीक है? Next देखो, similarly, computer is an electronic machine. It accepts unprocessed fact and figures called data. Data is further processed to give a meaningful result called information. Hence, information is a processed data. तो कंप्यूटर भी वही प्रिंसिपल से काम करता है। जो हम कंप्यूटर को देते हैं अनप्रोसेस्ड फैक्ट वो है इनपुट, जिसे हम डेटा बोलते हैं। कंप्यूटर उसी डेटा को लेके प्रोसेस करता है जिसे हम प्रोसेसिंग बोलते हैं, और आफ्टर प्रोसेसिंग जो मीनिंगफुल रिजल्ट हमें देता है उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है कि हम डेटा दे रहे हैं कंप्यूटर को, फिर प्रोसेस हो रहा है जिसे प्रोसेसिंग बोलते हैं, फिर जो आउटपुट आ रहा है उसे हम रिजल्ट बोलते हैं। ठीक है, दस अ कंपोनेंट्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग कैन बी समराइज्ड एज। तो हम क्या समराइज कर सकते हैं, देखो कि कंप्यूटर के ये जो वर्किंग मेथड है इसमें 3 इम्पॉर्टेंट टर्म है। नंबर 1 इज डेटा, नंबर 2 इज प्रोसेसिंग एंड नंबर 3 इज इंफॉर्मेशन। सो व्हाट इज डेटा? इट इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइडेड टू अ कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। तो ये प्रोसेस्ड फैक्ट है जो हम मशीन को फीड करते हैं, मतलब मशीन को इनपुट करते हैं।
ठीक है। प्रोसेसिंग देखो, इट मीन्स वर्किंग ऑन गिवन डेटा एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो इंफॉर्मेशन बनाने के लिए डेटा को सीपीयू जो प्रोसेस करते हैं या अरेंज करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। एंड नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन, द रिजल्ट ऑब्टेंड आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। तो जो रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग मिलता है वो है इंफॉर्मेशन, इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग। तो यही है रिजल्ट, या बोल सकते हो एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाओ। फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस विच परफॉर्म सर्टेन बेसिक टास्क, सम ऑफ देम आर एक्सप्लेन्ड बिलो। तो कंप्यूटर कुछ ऑपरेशंस भी करते हैं या कुछ कैलकुलेशंस भी करते हैं, उसमें से तीन कैलकुलेशन यहाँ पे डिस्कस किया है। नंबर वन इज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, नंबर टू इज मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड नंबर थ्री इज लॉजिकल ऑपरेशन। नंबर वन देखो, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, दिस इज द फंडामेंटल टास्क ऑफ द कंप्यूटर टू एक्सेप्ट डेटा एंड instructions and give meaningful result। तो ये जो computer data को as an input लेते हैं और after processing output देता है या result show करता है उसे हम बोलेंगे input output operation। The manipulation of data that is fact and figures with the help of instructions given to a system is known as processing। तो जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर को डेटा को प्रोसेस करने के लिए उसे हम बोलेंगे प्रोसेसिंग। एज सून एज द प्रोसेसिंग इज डन यू कैन गेट द प्रोसेस्ड डेटा कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो जब प्रोसेसिंग हो जाएगा तब जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसे हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन या प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, तो यही है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अ कंप्यूटर इज एबल टू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सम ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर इलस्ट्रेटेड बिलो। तो कंप्यूटर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है, जैसे प्लस माइनस इंटू डिविशन, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कंप्यूटर कर सकता है। जैसे देखो यहाँ पे एक चार्ट दिया है, जैसे a प्लस बी, जहाँ पे a है 10 और b है 5, तो a प्लस बी आफ्टर प्रोसेसिंग क्या रिजल्ट देगा 15। नेक्स्ट a माइनस बी क्या रिजल्ट देगा 5, a इंटू बी क्या रिजल्ट देगा 50 एंड a डिवाइड बी क्या रिजल्ट देगा 2। ठीक है, जहाँ पे इनपुट क्या है a और b, आफ्टर प्रोसेसिंग रिजल्ट क्या दे रहा है, कभी a प्लस बी, कभी a माइनस बी, कभी a इंटू बी और कभी a डिवाइड बी। तो ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जो कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेशंस, व्हेन टू क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड मैथमेटिकली टू गिव अ मीनिंगफुल रिजल्ट इट इज नोन एज लॉजिकल ऑपरेशन। तो जब कंप्यूटर दो क्वांटिटीज को मैथमेटिकली कंपेयर करता है तो उसे हम बोलेंगे लॉजिकल ऑपरेशंस। द आउटकम ऑफ एनी लॉजिकल ऑपरेशन इज आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये जो लॉजिकल कंपैरिजन है इसका दो ही आउटपुट हो सकता है, या तो फॉल्स नहीं तो ट्रू। अ कंप्यूटर इज एबल टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस टू गिव अ मीनिंगफुल रिजल्ट। तो कंप्यूटर लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद मीनिंगफुल रिजल्ट्स दे सकता है एज गिवन इन द एग्जाम्पल। यहाँ पे एक चार्ट है जहाँ पे कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस किए हैं, देखो जैसे a इज ग्रेटर देन b, a इज लेस देन b, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, a इज लेस देन इक्वल टू b, इस टाइप के ऑपरेशंस, ये सारे लॉजिकल ऑपरेशंस है। ठीक है, इसका जो आउटपुट है वो देखो सिर्फ दो ही हो सकता है, या तो ट्रू हो सकता है नहीं तो फॉल्स हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट क्या है, इनपुट है a और b। ठीक है, मतलब दो नंबर। नेक्स्ट पेज में जाओ, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन।
डेटा, इट इज जस्ट टेक्स्ट एंड नंबर्स। तो डेटा टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन, इट इज प्रोसेस्ड एंड इंटरप्रेटेड डेटा। तो इंफॉर्मेशन का मतलब है प्रोसेस्ड डेटा। डेटा का मतलब क्या है? अनप्रोसेस्ड फैक्ट। और इंफॉर्मेशन का मतलब है प्रोसेस्ड डेटा या इंटरप्रेटेड डेटा या ऑर्गेनाइज्ड डेटा। ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंस है। नेक्स्ट देखो, डेटा, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, विदाउट डेटा इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ऑब्टेंड। तो डेटा इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है। वो तो सही बात है ना, डेटा हम इनपुट करते हैं और इंफॉर्मेशन डेटा से बनते हैं, तो इसलिए इंफॉर्मेशन डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डेटा इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट देखो, डेटा, इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट एंड फिगर। इंफॉर्मेशन, इट इज रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, वो तो हम अभी बोले कि डेटा जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है या फिगर है, और इंफॉर्मेशन क्या है? वो रिजल्ट है, मतलब आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो है इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, डेटा स्टोरेज यूनिट्स। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट स्टोर्स नंबर्स, लेटर्स एंड अदर कैरेक्टर्स इन कोडेड फॉर्म। तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, मतलब सिर्फ जीरो और वन के जो लैंग्वेज है वही समझता है। तो इसलिए नंबर, लेटर या अदर कैरेक्टर को वो बाइनरी कोड के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, हैव यू एवर थॉट when you enter a character using a keyboard, the computer converts it into its binary form, which is understood by the system. तो जब हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं कुछ जैसे लेटर्स, कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि प्रोसेसर को समझ में आए या सीपीयू को समझ में आए। ठीक है, क्योंकि CPU बाइनरी लैंग्वेज को छोड़ के और कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता है, तो इसलिए कीबोर्ड क्या करता है? उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके फिर प्रोसेसर को थ्रो करता है या सेंड करता है। ठीक है, एक्चुअली द बाइनरी फॉर्म कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, 0 and 1, विच आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स इन शॉर्ट। तो ये जो बाइनरी लैंग्वेज है ये सिर्फ दो डिजिट के कॉम्बिनेशंस है, 0 और 1। इसलिए ये जो बाइनरी डिजिट्स है इसे हम शॉर्ट में बिट्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब 0 एक बिट है और 1 एक बिट है। सो इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली टू डिजिट्स, दैट इज 0 and 1। अब देखो, ये जो कंप्यूटर मेमोरी है इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है बिट, लेकिन बिट्स का कुछ मल्टीपल्स भी है। जैसे हम मैथ्स में देखते हैं कि लेंथ का स्मॉलेस्ट यूनिट है मिलीमीटर, लेकिन मिलीमीटर के मल्टीपल्स भी है, जैसे सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वैसे ही बिट्स का भी बहुत सारा मल्टीपल्स है। तो वो सारे मल्टीपल्स के बीच में क्या रिलेशन है वही इस बॉक्स में बोला है। देखो, द वेरियस मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ स्टोरेज आर, फर्स्ट देखो, 8 bits = 1 byte, मतलब अगर 8 bit का कॉम्बिनेशन हम लेंगे तो उसे हम बोल सकते हैं 1 byte। ठीक है, तो बाइट बिट से बड़ा यूनिट है। नेक्स्ट, 1024 bytes = 1 kilobyte, मतलब अगर 1024 bytes को हम एक साथ रखें तो उसे हम 1 kilobyte बोल सकते हैं। वैसे ही 1024 kilobyte = 1 megabyte, तो किलोबाइट से भी बड़ा यूनिट है मेगाबाइट। नेक्स्ट, 1024 megabyte = 1 gigabyte, देन 1024 gigabyte = 1 terabyte, देन 1024 terabyte = 1 petabyte,
नेक्स्ट 1024 पेटाबाइट इक्वल टू 1 एक्साबाइट. नेक्स्ट 1024 एक्साबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट. तो ये था कुछ मल्टीपल्स ऑफ बाइट या बिगर यूनिट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, और उसके रिलेशंस. नेक्स्ट नॉलेज कॉर्नर्स देखो. फर्स्ट नॉलेज कॉर्नर देखो, द टर्म डेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म डेटम. तो डेटा कहां से आया है? लैटिन टर्म डेटम से आया है, ठीक है. नेक्स्ट नॉलेज कॉर्नर देखो, अ बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज विच रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर इन अ कंप्यूटर, वेयर एज वन बिट इज एन एलिमेंटरी यूनिट ऑफ मेमोरी. तो वन बीट सबसे छोटा यूनिट है मेमोरी का, लेकिन अगर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है मेमोरी में या स्टोर करना है मेमोरी में तो कम से कम वन बाइट लगेगा. तो इसलिए देखो बोला है कि वन बाइट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज विच रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर इन अ कंप्यूटर, ठीक है. अब नेक्स्ट पेज में जाओ. कंप्यूटर मेमोरी. मेमोरी इज अ बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर वेयर इट कैन स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. तो मेमोरी कंप्यूटर का बेसिक यूनिट है जहां पे हम कुछ स्टोर कर सकते हैं. द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट यूनिट हैव टू बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट्स. तो जब हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं या कोई इनपुट डिवाइस से इनपुट देते हैं तो पहले वो मेमोरी में स्टोर होता है, फिर सीपीयू उसे प्रोसेस करता है. तो पहले स्टोर होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, इट इज द कंप्यूटर मेमोरी व्हिच इज डिजाइंड टू कैटर टू ऑल दीज नीड्स. इट प्रोवाइड स्पेस फॉर स्टोरिंग डेटा, इंस्ट्रक्शंस, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड फाइनल रिजल्ट्स. तो कंप्यूटर में मेमोरी होना बहुत जरूरी है क्योंकि विदाउट मेमोरी हम इनपुटेड डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो भी स्टोर नहीं कर सकते, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स बनते हैं प्रोसेसिंग के टाइम वो भी स्टोर नहीं हो सकता है, और जो फाइनल आउटपुट है वो भी स्टोर नहीं हो सकता है. तो इसलिए स्टोरिंग के लिए मेमोरी होना कंप्यूटर में बहुत जरूरी है, ठीक है. तो मेमोरी क्या करता है? मेमोरी स्पेस देता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है. बेस्ड ऑन अबव मेंशनड फंक्शन कंप्यूटर मेमोरी कैन बी कैटेगराइज इनटू टू वेज, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी. तो दो टाइप के मेमोरीज होते हैं, एक है इंटरनल जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, और नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं. अब देखो इंटरनल मेमोरी, इट इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. इट इज द स्टोरेज स्पेस दैट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द प्रोसेसर. तो ये मेन मेमोरी है कंप्यूटर का जो प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो सीपीयू के अंदर है वो डायरेक्टली इसमें से डेटा ले सकता है और डेटा रख भी सकता है, ठीक है. इट हैज़ अ वेरी फास्ट एक्सेस टाइम एंड अ स्मॉलर स्टोरेज कैपेसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ द सिस्टम. तो इसका जो एक्सेस टाइम है, मतलब इसका जो स्पीड है वो बहुत हाई है, वेरी फास्ट है, ठीक है. लेकिन एक ही ड्रॉबैक है, वो है इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है. एक्सटर्नल मेमोरी का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है इंटरनल मेमोरी से, ठीक है. हाउएवर एन इंटरनल मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, ठीक है. तो इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं. बेसिकली एन इंटरनल मेमोरी हैज टू कॉम्पोनेंट्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज रैम एंड रीड ओनली मेमोरी दैट इज रोम. तो इंटरनल मेमोरी दो टाइप के होते हैं, एक है रैम और नेक्स्ट वन इज रोम. रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. और रोम का फुल फॉर्म क्या है?
रीड ओनली मेमोरी। अब रैम के बारे में देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज एरिया इन अ कंप्यूटर वेयर द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड डेटा इन करेंट यूज आर केप्ट। तो जो प्रोसेसर करेंटली यूज कर रहा है उसे कंप्यूटर रैम में रखता है। दीज प्रोग्राम कैन बी क्विकली रीच्ड बाय द कंप्यूटर्स प्रोसेसर। रैम इज स्मॉलर देन द हार्ड डिस्क बोथ इन फिजिकल साइज एंड द अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन स्टोर। तो रैम हार्ड डिस्क से स्मॉलर है, फिजिकल साइज में भी, मतलब साइज में भी स्मॉलर है और कैपेसिटी में भी स्मॉलर है। हार्ड डिस्क मतलब क्या है? मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। हार्ड डिस्क का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है रैम से, लेकिन रैम का स्पीड बहुत ज़्यादा है, हार्ड डिस्क का उतना स्पीड नहीं है। तो इसलिए प्रोसेसर हमेशा रैम के साथ ही डेटा को एक्सचेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रैम कैन बी इंक्रीज्ड टू सम एक्सटेंट। रैम इज मच फास्टर इन रीडिंग एंड राइटिंग डेटा एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क, सीडी रोम और अ डीवीडी। तो रैम का कैपेसिटी कुछ हद तक हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन वो हार्ड डिस्क के तरह नहीं कर सकते, ठीक है। हार्ड डिस्क का कैपेसिटी रैम से बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम रैम को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। हार्ड डिस्क प्रोसेसर के साथ डेटा एक्सचेंज नहीं कर सकता, उतना स्पीडी नहीं है वो। लेकिन प्रोसेसर का जैसा स्पीड है वैसा ही रैम का स्पीड है, तो इसलिए रैम प्रोसेसर के साथ डेटा को एक्सचेंज कर सकता है। इसलिए जब प्रोसेसर कोई डेटा को प्रोसेस करता है वो उसे रैम में रखता है, क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है, देखो जैसे हार्ड डिस्क, सीडी रोम या डीवीडी, मतलब कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी से कहीं ज़्यादा फास्टर है रैम, ठीक है। हाउएवर द डेटा इन रैम रिमेन्स टिल द पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर इज ऑन। व्हेन यू टर्न द कंप्यूटर ऑफ द डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज लॉस्ट। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोलेटाइल मेमोरी। तो रैम का और एक फीचर है, वो है जब हम पावर सप्लाई को ऑफ कर देंगे तब रैम का जो डेटा है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए रैम को हम क्या बोल सकते हैं? वोलेटाइल मेमोरी, मतलब जितना टाइम तक पावर सप्लाई रहेगा रैम में उतना टाइम तक रैम में डेटा रहेगा, लेकिन जब पावर ऑफ हम कर देंगे तब रैम का जो डेटा है वो पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रैम को बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। अब देखो रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम इज द मेमोरी ऑन विच द डेटा स्टोर्ड कैन बी रीड बट न्यू डेटा कैन नॉट बी रिटन ऑन इट। तो रोम एक ऐसा टाइप का प्राइमरी मेमोरी है जहाँ पे जो डेटा स्टोर किया हुआ है वो हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, कुछ भी राइट नहीं कर सकते। जब रोम को बनाया गया है तब प्रोग्रामर उसमें जो डेटा सेव करके रखा है वो सिर्फ उसे ही कंटेन करेगा, हम सिर्फ उस डेटा को रीड कर सकते हैं, कुछ भी उसमें राइट नहीं कर सकते। मतलब प्रोग्रामर के जो डेटा है वो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, या कोई एडिट भी नहीं कर सकते उसे। तो इसलिए इसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, मतलब तुम सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते उसके अंदर, ठीक है। द प्रोग्राम स्टोर्ड आर नॉट इरेज्ड व्हेन द सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ। जब हम पावर ऑफ कर देंगे तब ही उसमें जो डेटा है वो एज इट इज रहता है। मतलब प्रोग्रामर एक बार अगर रोम को प्रोग्राम कर दे तो वो प्रोग्राम रहता है रोम में, पावर ऑफ होने के बाद भी वो प्रोग्राम रोम में एज इट इज रहता है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी,
इसलिए रोम को क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन रोम कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज CPU। इट बिकम्स एक्टिव एज सून एज द सिस्टम इज टर्न्ड ऑन। तो रोम का जो डेटा है वो CPU के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। एक्चुअली रोम में क्या रहता है? रोम में कंप्यूटर स्टार्ट होने का जो प्रोग्राम है ना वो रहता है। मतलब जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तब जो बूटिंग होता है, कंप्यूटर खुद से रेडी होता है काम करने के लिए, वो प्रोग्राम रोम में स्टोर्ड होता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तब ही रोम एक्टिवेटेड हो जाता है और कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, लेकिन उसमें हम कोई एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम, द डेटा और इंस्ट्रक्शंस कैन बी रीड एज वेल एज रिटन ऑन टू इट। तो रैम में हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। रोम, द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड बट नथिंग कैन बी रिटन ऑन टू इट। रोम में हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट देखो, रैम, द इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। तो जब स्विच ऑफ हो जाएगा मशीन तब रैम का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। द इंफॉर्मेशन रिमेन्स इवन इफ द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। तो रोम का जो डेटा है वो स्विच ऑफ करने के बाद भी रहता है। ठीक है, यहाँ पे और एक पॉइंट भी आप लोग दे सकते हो, जैसे रैम इज द वोलाटाइल मेमोरी एंड रोम इज द नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सटर्नल मेमोरी से स्टार्ट करेंगे। बाय।